हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहचाना नहीं, लेकिन हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वजीह थे। बंदा देखता था तो मुतासिर हो जाता था। हज़रत थानवी ने जो ही देखा मुतासिर हो गए कि ये बंदा कौन आया, तो पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं अताउल्लाह शाह हूँ, मैं अताउल्लाह हूँ, मैं अताउल्लाह हूँ। हज़रत थानवी ने जब गौर किया कि अच्छा अताउल्लाह शाह, कहने लगे हाँ मैं अताउल्लाह शाह हूँ। फरमाया अच्छा आप ये कहें कि मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ, मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ। नहीं हज़रत, ये अल्फाज मुझसे न कहलवाएं, ये सैयद तो एक बड़ा दर्जा है, एक बड़ा मर्तबा है, तो ये अल्फाज मुझसे न कहलवाएं। फरमाया आप तारीफ़न न कहें, तारुफ़न कहें, तारीफ़न न कहें, तारुफ़न कहें। चुनांचे हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़बान से कहा कि मैं सैयद अताउल्लाह शाह हूँ। थोड़ी देर बाद हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी को हदिया पेश कर लिया। हज़रत आपके लिए हदिया लेके आया हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि पहली मुलाकात में किसी से हदिया कबूल नहीं करते थे। पहली मुलाकात में किसी से, हाँ वैसे भी वो हदिये कम कबूल किया करते थे, वो आजकल के पीरों की तरह नहीं थे कि हदाया के इंतज़ार में होते हैं और हर मुरीद को हदिये के हिसाब से तोलते हैं। जो ज़्यादा हदिया दे तो वो ज़्यादा करीबी होता है, जो हदिया ना दे सके वो पूरब हासिल नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं था। इंडिया के एक नवाब ने एक मरतबा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को 1,00,000 रुपये का हदिया भेजा। 1,00,000 रुपये आजकल तो करोड़ के बराबर तो होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा हों, तो हदिया भेजा। हज़रत थानवी ने जब अंदाज़ा लगाया कि उस बंदे के दिलो दिमाग में तकब्बुर है तो वापस भेज दिया, कहते मुझे नहीं चाहिए। उसने दोबारा भेज दिया, हज़रत कबूल करें, फरमाया मुझे नहीं चाहिए। तीसरी मरतबा फिर भेज दिया, हज़रत ने फरमाया मैंने हदिया नहीं लेना। वो नवाब था, दिमाग में खन्नास तो था ही, उसने आखिर में कह दिया कि हज़रत 1,00,000 रुपये मैंने भेजे हैं, कबूल कर लें। आपको 1,00,000 रुपये हदिया देने वाला मुरीद नहीं मिलेगा, 1,00,000 रुपये हदिया देने वाला मुरीद नहीं मिलेगा। हज़रत थानवी ने फरमाया कि ये वापस ले लें, आपको भी 1,00,000 रुपया वापस करने वाला पीर नहीं मिलेगा। नहीं, वो हदिया हदाया नहीं लिया करते थे, पहली मुलाकात में बिल्कुल नहीं लेते थे। जब हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार किया कि हज़रत ले लें, फरमाया मेरा उसूल यह है कि पहली मुलाकात में किसी से हदिया नहीं लेता, तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे मेरे वालिद ने वसीयत की थी कि जब आप उलमा की मजलस में जाएँ तो उनको ज़रूर हदिया पेश करें। मैं अपने वालिद की वसीयत से मजबूर हूँ, मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, आपको हदिया लेना होगा। हज़रत थानवी ने फरमाया कि मैं अपने उसूल के हाथों मजबूर हूँ कि मैं पहली मुलाकात में हदिया नहीं लेता। अब जब इसरार बढ़ गया तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो तरीका आप इख्तियार कर लें तो मैं आपका हदिया कबूल करूँगा। फरमाया कि आप ऐसा कहें कि मैं अताउल्लाह शाह बुखारी आपको हुक्म देता हूँ कि मेरा हदिया कबूल करो, और सैयद का हुक्म पर मैं नहीं टालता, मैं सैयद का हुक्म ज़रूर कबूल करता हूँ, पूरा करता हूँ। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत सैयद का हुक्म मानते हैं, सैयद की दरख्वास्त कबूल नहीं करते। सैयद का हुक्म तो मानते हैं, सैयद की दरख्वास्त कबूल नहीं करते। हज़रत थानवी ने हाथ आगे बढ़ा लिए, हदिया ले लिया, अपनी आंखों से लगाया और छू